नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, टैली ERP9 का ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो हमने वीडियोज़ बनाए हैं उसको पहले देखें, फिर इसको देखें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग इन्वेंट्री के टॉपिक्स को आज देख लेते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री क्या होता है, व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ग्रुप कैसे बनाएंगे एंड इन्वेंट्री स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है और स्टॉक समरी क्या होता है, कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 6 है। असाइनमेंट नंबर 6 है हमारा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था असाइनमेंट नंबर 5 में, यही लेजर्स थे सारे हमारे। इसमें परचेज 20,000 का हमने किया था, सेल्स 50,000 का हमने किया था। दोस्तों, इस असाइनमेंट नंबर 6 में हमें ये चीज़ नहीं करनी है। दोस्तों, हमें क्या करना है, अगर हमने परचेज किया है तो कौन कौन से आइटम का परचेज किया हमें आइटम्स बताने होंगे, कौन कौन सा आइटम हमने खरीदा है, और अगर हमने सेल किया है तो कौन कौन से आइटम को हमने सेल किया है, ये हमें बताना होगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री, वर्किंग ऑन इन्वेंट्री। जैसे हम गोदाम को मेंटेन करते हुए चलते हैं कि हमारे पास गोदाम में कौन कौन सा स्टॉक है, कौन कौन सा आइटम कितना किस मात्रा में है, उसको मेंटेन करते हुए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे असाइनमेंट देखिए, आपका ये असाइनमेंट है आपका। दोस्तों, ये असाइनमेंट है नीचे। पहले जो हम लोग परचेज और सेल्स करते थे, अब हमें वो चीज़ नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, परचेज अगर हमने किया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, परचेज अगर हमने किया है तो कौन कौन से आइटम को परचेज किया। तो दोस्तों, ये हमारा इन्वेंट्री ग्रुप है गारमेंट्स का, और गारमेंट्स में ये हमारा आइटम है क्लोथ हमने परचेज किया है, और टी शर्ट परचेज किया है, 500 मीटर क्लोथ परचेज किया है। मीटर ये इसकी यूनिट है दोस्तों, क्लोथ की 200 रुपये पर मीटर के रेट से परचेज किया है। टी शर्ट हमने परचेज किया है 1000 पीस 400 रुपीज़ पर पीस के रेट से परचेज किया है। होम अप्लायंसेस दोस्तों, ये हमारा ग्रुप है, इसमें हमने कुकर परचेज किया है 50 पीस 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से। गैस चूल्हा परचेज किया है 50 पीस 500 रुपये पर पीस के हिसाब से, और इसी को दोस्तों हमने सेल किया हुआ है। पहला क्लोथ सेल किया है 450 मीटर 300 रुपए के हिसाब से। दूसरा टी शर्ट सेल किया है 800 पीस 600 रुपए पर पीस के हिसाब से। कुकर सेल किया है दोस्तों 50 पीस 1500 रुपए के हिसाब से, और गैस चूल्हा सेल किया दोस्तों 50 पीस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि जिस रेट से हमने ख़रीदा है उसी रेट से बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। यहाँ पे कुकर हमने बेचा 1700 के रेट से, और गैस चूल्हा हमने बेचा 500 की खरीद रेट थी तो हमने इसको बेचा 700 रुपए के रेट से। ये है दोस्तों हमारा, ये 700 रुपए के रेट से हम लोग बेचेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट है पूरा। इस असाइनमेंट पे हम लोग वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें इस पे काम करना है। तो दोस्तों, हम लोग आइए टैली में चलते हैं और इस पे आगे वर्किंग देखते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री पे वर्क करने के लिए हमें स्टेप्स को, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये सबसे पहले दोस्तों हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसके बाद इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ से ग्रुप क्रिएशन में जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे। दोस्तों, हमारे पास ग्रुप कौन कौन से थे,
एक क्लॉथ गारमेंट्स का ग्रुप था और दूसरा एक होम अप्लायंसेस का ग्रुप था, दोनों क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम यूनिट ऑफ मेजर पे जाएंगे, यूनिट बनाएंगे कि कौन कौन से हमारे पास स्टॉक हैं और उसकी यूनिट क्या है। तो दोस्तों, एक हमारे पास मीटर की यूनिट है और दूसरा हमारे पास पीस की यूनिट है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग तीसरा ऑप्शन स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के बाद दोस्तों, फिर हम लोग जाएंगे वाउचर एंट्री में। दोस्तों, ये हमारी कंपनी बनी हुई है, अकाउंट विद इन्वेंट्री के नाम से कंपनी बनी हुई है। नई कंपनी हमने क्रिएट किया हुआ है, अभी इसमें कोई वर्किंग नहीं हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, यहाँ से लेजर पे जाएंगे और लेजर बना लेंगे हम, जो जो नेसेसरी लेजर्स हैं। बाहर जाते हैं, यहाँ से क्रिएट पे जाके मल्टीपल लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक साथ सारे लेजर बन जाएंगे। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट अंडर होगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछता है ओपनिंग बैलेंस, ये जो प्लेस है दोस्तों आपका, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछता है। इस जगह पे हमें ओपनिंग बैलेंस बताना होता है। दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब कंपनी में हमारा पिछले कई साल से कंपनी चली आती हो, कंपनी में वर्क चला आता है, तब हम लोग ओपनिंग बैलेंस देते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे सपोज लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, वो था 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। तो दोस्तों, जो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत वर्किंग की होगी, उसका जो बचा हुआ सामान होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे जब वो 1 अप्रैल 2017 से और 31 मार्च 2018 के बीच में जब वर्क करेगा, तो जो भी स्टॉक है, जो भी अमाउंट है, जो भी कैश इन हैंड है, जो भी असेट्स हैं, वो सभी नए साल के लिए ओपनिंग बैलेंस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि हम लोग नई कंपनी में काम कर रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी हमारी अभी स्टार्ट हो रही है, तो हमारा जो भी वर्किंग है वो स्टार्टिंग का वर्किंग है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे। एंटर किया। इसके बाद बैंक बना दिया, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, परचेज, परचेज का लेजर बना देंगे दोस्तों, सेल्स, सेल्स अकाउंट। दोस्तों, इसके आगे जैसे असाइनमेंट में जो था हमारा, यहाँ पे देखेंगे, ये असाइनमेंट है हमारा। असाइनमेंट में जैसे फर्नीचर है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इसकी भी एंट्री अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसकी एंट्री लेजर एंट्री करके आप लोग आगे वर्किंग कर सकते हैं। और मैं सीधे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ। तो इसके बाद बस इतना हम लेजर सेव कर देते हैं, स्केप करके बाहर जाएंगे दोस्तों। गेटवे ऑफ टेली इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। क्रिएट किया स्टॉक ग्रुप। ग्रुप क्या था हमारे पास? एक गारमेंट्स का था, गारमेंट्स। एंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको येस कर देंगे। इट मींस कि गारमेंट्स हमारा ग्रुप है, इसके अंडर में आइटम्स को एंटर करना है। एंटर करेंगे। और दूसरा है हमारा ग्रुप होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, इसको भी हम यहाँ पे यस कर देंगे। दोस्तों, ये ग्रुप बन गया हमारा। ग्रुप बनने के बाद हम बाहर आएंगे, स्टॉक इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में फिर से जाएंगे और यहाँ से हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यूनिट क्या है हमारे पास? एक MTR फॉर सिंबल। दोस्तों, यूनिट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सिंबल शॉर्ट में लिख दिया MTR। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिख सकते हैं, METRE। एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमने लिखा पीस,
और हमने पीसेस यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा नेम लिख दिया। ये हमारे यूनिट क्रिएट हो गया दोस्तों। यूनिट क्रिएट होने के बाद हम लोग स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम्स क्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास आइटम क्या क्या है, एक तो क्लोथ्स है, क्लोथ्स अंडर गारमेंट्स होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस साइड से हम लोग ग्रुप ले लेंगे अंडर यहाँ पे गारमेंट्स, और क्लोथ्स मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर ले लेंगे और दोस्तों एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। तो मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे जो कंपनी, जैसे ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक चलेगा। और लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक था। तो जो लास्ट ईयर की कंपनी का जो बैलेंस होगा, वो बचा हुआ बैलेंस हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। तो दोस्तों हम कंपनी नई क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है। इसके बाद टी शर्ट हमारे पास, ये गारमेंट्स के अंडर में जाएगा दोस्तों, और पीस में मेजर होगा, एंटर। देन हमारे पास है कुकर, कुकर दोस्तों होम अप्लायंसेस में जाएगा। यहाँ से देखिए होम अप्लायंसेस ले लेंगे और ये पीस में मेजर होगा। इसके बाद गैस, चूल्हा, गैस चूल्हा दोस्तों ये भी होम अप्लायंसेस में आएगा, पीस में मेजर होगा। ये हमारी इन्वेंट्री वर्किंग जो थी क्रिएशन का हमारा फिनिश हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे, और देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले दोस्तों कैपिटल की एंट्री करनी है। F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर में चले गए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 5 लाख रुपये, कैश डेबिट हो जाएगा। बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। F4 प्रेस किया, यहाँ से असाइनमेंट देख लीजिए बैंक डिपॉजिट कितना है, 2 लाख रुपये, और बैंक विड्रॉल है 50,000 रुपये। तो बैंक डिपॉजिट करेंगे दोस्तों तो कैश क्रेडिट होगा 2 लाख रुपये, और आपका बैंक जो था ICICI ये डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन स्किप करते हुए आगे चले जाएंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद बैंक से विड्रॉल करना है 50,000 रुपीज़, तो बैंक क्रेडिट होगा दोस्तों 50,000 रुपये, और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा डेबिट हो गया। इसके बाद परचेज पे आना है दोस्तों, F9 देख लेते हैं एक बार असाइनमेंट। ये हमारा दोस्तों परचेज है, क्लोथ 500 मीटर 200 रुपये पर मीटर के रेट से हमें परचेज करना है। टी शर्ट 1,000 पीस 400 रुपये पर पीस के रेट से परचेज करना है। बाकी ये नीचे की डिटेल्स है, आइए यहाँ पे F9 प्रेस दोस्तों, F9 प्रेस करेंगे परचेज खुल जाएगा हमारा। और परचेज में जैसे यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे देंगे कुछ भी, जैसे हमने दे दिया P01, डेट आज की आ जाएगी, एंटर करेंगे यहाँ पे। पार्टी अकाउंट नेम हमें कैश से सेलिंग करनी है दोस्तों, कैश ले लिया, इसको स्किप कर जाएंगे। परचेज और नेम ऑफ आइटम दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है। लास्ट वीडियो में इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम एज वाउचर ऑप्शन चूज कर लेते थे, इस जगह पे देखिए राइट साइड में ध्यान दीजिए एज वाउचर, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ आइटम गायब हो गया और डेबिट एंड क्रेडिट आ गया। तो दोस्तों अब हमें वाउचर मोड में एंट्री नहीं करनी है, अब हमें एज इनवॉइस लेना है, अकाउंट विद इन्वेंट्री।
तो यहाँ पे एज इनवॉइस मोड पे क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस मोड खुल जाएगा और इसमें नेम ऑफ आइटम हमसे पूछने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जाइए नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्लोथ है, क्वांटिटी पूछ रहा है 500 मीटर और रेट 200 रुपये पर मीटर। ये दोस्तों अपने आप कैलकुलेट कर लेगा अमाउंट, एंटर करिए। अगला आइटम हमारा क्या है, टी शर्ट 1000 पीस 400 रुपीस पर पीस, ये हो गया। अब इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। ये दोस्तों ये देखिए, ये हमने गारमेंट्स का ये जो था ये हमने परचेज कर लिया। अब दूसरा होम अप्लायंसेस को भी परचेज कर लेते हैं। चाहे तो दोस्तों हम एक साथ भी परचेज कर सकते हैं अगर सेम डेट में एंट्री हो रही है तो। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आप लोगों को अलग अलग परचेज करके दिखा रहा हूँ। फिर से जाइए, यहाँ पे हमने लिखा P02, डेट यही रहेगी, कैश से हमने परचेज किया। और यहाँ पे दोस्तों रहेगा आपका कुकर था, कुकर 50 पीस और 1500 रुपये पर पीस होगा दोस्तों, ये आपका कुकर हो गया। और इसके बाद आपका है गैस चूल्हा 50 पीस 500 रुपये, गैस चूल्हा 50 पीस 500 रुपये पर पीस के रेट से ये हमने पूरा यहाँ पे देखिए 1 लाख का सामान खरीद लिया, 1 लाख का। अब दोस्तों एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ये हमारा दोस्तों परचेज हो गया। अब परचेज होने के बाद एक बार आइए ज़रा हम लोग समरी चेक कर लेते हैं। दोस्तों समरी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्केप करके हम बाहर जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी लिखा हुआ है, इस जगह पे जाके यहाँ से दोस्तों हम लोग गोडाउंस चेक करते हैं कि हमारे गोडाउंस में क्या क्या आइटम्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए गारमेंट्स है और होम अप्लायंसेस है, दोनों चीज़ें आ चुकी। ऑल्ट F1 करेंगे तो इसका डिटेल दिखाई देगा। ये देखिए गारमेंट्स के अंदर में क्लोथ है और टी शर्ट है दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है आपका पूरा डिटेल दिखा रहा है कि कितना पीस खरीदा है और किस रुपए के रेट से ख़रीदा है। और इसके बाद दोस्तों होम अप्लायंसेस में कुकर है और गैस चूल्हा है दोस्तों। अब आइए हम लोग इसको सेल करते हैं। अगेन वाउचर एंट्री में जाएंगे और F9 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। रिफ्रेंस नंबर डाल देते हैं दोस्तों S1 कैश। दोस्तों जब कहीं पे भी प्रोफेशनल हम लोग वर्क करेंगे तो प्रोफेशनल वर्क करते समय ये जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स जैसे डिलीवरी नोट नंबर है, डिस्पैच नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आगे बताएंगे हम ऑर्डर नंबर से परचेजिंग सेलिंग कैसे होती है। अभी इसको स्किप कर देना है, कंट्रोल ए करेंगे ये स्किप हो जाएगा। सेल्स पे आ गए और यहाँ पे हमें सेलिंग क्या करनी है एक बार असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं। क्लोथ 450 मीटर 300 रुपए के रेट से, टी शर्ट 800 पीस 600 रुपए के रेट से। तो क्लोथ ले लिया दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई भी स्टॉक चूज करेंगे तो उसके सामने हमारे पास क्वांटिटी शो करेगा दोस्तों कि यहाँ पे हमारे स्टॉक में कितना अमाउंट कितना क्वांटिटी बचा हुआ है जो भी स्टॉक है हमारे गोदाम में। तो दोस्तों यहाँ से देखते हुए ही हम सेल करेंगे, अगर हमारे पास स्टॉक माइनस में है, नेगेटिव है या जीरो है तो हम लोग सेल नहीं कर सकते। दोस्तों 500 है, हमें बेचना कितना है 450 पीस, एंटर, और 300 रुपये के रेट से बेचना है, ये हमने एंटर किया। अब इसके बाद से हमारा टी शर्ट है दोस्तों, ये है हमारा 800 पीस और 600 रुपये के रेट से ये हमारा बिका हुआ है दोस्तों। ये देखिए 615,000 का टोटल सामान बिक गया हमारा। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। अब दोबारा सेल्स पे आते हैं दोस्तों, अगेन वही प्रोसेस, ऑल्ट कंट्रोल F1, सेल्स पे आ गए। और इसके बाद सेल्स में हमारा क्या क्या है, एक हो गया और दूसरा है हमारे पास कुकर और तीसरा है गैस चूल्हा। तो यहाँ पे हम आएंगे कुकर 50 पीस पूरा पूरा बिका हुआ है, एंटर
1700 रुपये के रेट से, ये हो गया हमारा। और इसके बाद है दोस्तों हमारा गैस चूल्हा। गैस चूल्हा मान लीजिए हम थोड़ा बचा लेते हैं, 40 पीस बेचते हैं, और ये हमारा बिका है 700 के रेट से। एंटर करेंगे, ये हमारा 1,13,000 का सामान बिक गया। एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। दोस्तों ये हमारा इन्वेंट्री का सेव हो गया। अब आइए ज़रा एक बार हम लोग स्टॉक समरी चेक करते हैं। यहाँ से जाएंगे स्टॉक समरी और एंटर करेंगे, ऑल्ट F1 करके डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्लोथ हमारे पास 50 मीटर बचा हुआ है, टी शर्ट हमारे पास 200 मीटर बचा हुआ है, और दोस्तों होम अप्लायंसेस में देखिए, गैस चूल्हा हमारा बचा हुआ है 10 पीस, और कुकर हमारा फिनिश्ड हो गया, पूरा बिक गया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और ज़्यादा डिटेल्स अगर देखना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए गैस चूल्हे के बारे में देखना है, इस पर हम गए और एंटर करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक और लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पे हमारा इनवर्ड शो कर रहा है, यानी कि हमारा परचेज है, कितना हमने परचेज किया था, आउटवर्ड हमने कितना पीस सेल किया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों ये 10 पीस 5,000 रुपये का हमारे पास शेष बचा हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट ईयर जब हम वर्किंग करेंगे, तो ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, यही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इन्वेंट्री पे वर्किंग। अब आइए एक बार हम लोग डेबुक में भी समरी चेक कर लेते हैं। दोस्तों डेबुक में जाने के लिए शॉर्टकट की है DD, D for Display एंड D for Daybook। दोस्तों ये है हमारा डिटेल्स, परचेज है, सेल्स है, और ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। Alt F1 करेंगे, ये डिटेल्स दिखेगा, और सारी एंट्री सेम डेट में की गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हमारा इन्वेंट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से ओपनिंग बैलेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन्वेंट्री भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से नोट कर लें, और उसके बाद से बारी बारी इसको नोट करने के बाद एक एक जैसे मैंने स्टेप्स वाइज बताया वैसे आप लोग करते चलिए। थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी, इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।